आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए अभिलाक्षणिक वक्रों का अध्ययन कर चुके थे और उसके बाद आपको अब अपनी बुक की सहायता से ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ संग्राहक और ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ आधार विन्यास का अध्ययन स्वयं को करना है। इन दो टॉपिक के स्वयं अध्ययन के पश्चात अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में हम ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिएगा इस अध्ययन में आप अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक क्या होता है। प्रवर्धक का मतलब होता है प्रवर्धित करने वाला, ऐसा उपकरण जो निवेशी संकेतों को प्रवर्धित करके निर्गत संकेत के रूप में हमें प्रदान करता हो वो प्रवर्धक कहलाता है। ट्रांजिस्टर ये कार्य कर सकता है, इसलिए ट्रांजिस्टर को यहाँ प्रवर्धक बताया गया है। इसमें से ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो विन्यास है उसका अध्ययन अब हम करने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ये ट्रांजिस्टर जो है वो प्रवर्धक का कार्य किस प्रकार से कर रहा है। देखिए आप, ये ट्रांजिस्टर है, इसमें ये IE धारा है जो फ्लो हो रही है, यहाँ पर ये IC धारा फ्लो हो रही है और ये IB धारा फ्लो हो रही है। क्लियर? आपको मालूम है कि ये NPN है क्योंकि तीर का निशान इसमें बाहर की ओर लग रहा है। जब इसका निशान बाहर की ओर लग रहा है तो ये जो IE है ये भी बाहर निकलेगा। जब IE ट्रांजिस्टर से बाहर निकलेगा तो IB और IC ट्रांजिस्टर में प्रवेश करेंगे, ऐसा आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ IB करंट यूँ जा रही है तो यहाँ बैटरी का क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव होना चाहिए, और इस बैटरी को मैं VBB नाम दे रहा हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर करंट यूँ जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी बैटरी का पॉजिटिव होना चाहिए, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव और लास्ट में क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, और ये बैटरी है VCC। यहाँ ये लोड प्रतिरोध RL है। क्लियर? और ये निवेशी संकेत VI है, ये इसमें एक्स्ट्रा है। VI निवेशी संकेत, VI का मतलब यहाँ पर है कि हम कोई निवेशी संकेत इस ट्रांजिस्टर को दे रहे हैं और इस निवेशी संकेत को ये ट्रांजिस्टर प्रवर्धित करता है और निर्गत संकेत के रूप में लोड प्रतिरोध RL पर हमें प्रदान करता है। तो लोड प्रतिरोध RL पर हमें निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि निवेशी संकेत को एग्जाम्पल के रूप में हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे कोई लाउड स्पीकर में हम बोल रहे हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो निवेशी संकेत का कार्य कर रही है, अर्थात उसकी तीव्रता या यूं कहूँ उसका आयाम कम है और वो धीमी ही आवाज़ है। लेकिन उसके अंदर ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास होता है और वो उस संकेत को प्रवर्धित करता है और लाउड स्पीकर के ऊपर, अर्थात जो यहाँ वो लाउड स्पीकर लोड प्रतिरोध RL का कार्य कर रहा है, उस RL के ऊपर ये RL लोड लाउड स्पीकर का कार्य कर रहा है, यहाँ पर अधिक आयाम के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। तो देखिए अब आप इसमें संग्राहक उत्सर्जक संधि को, संग्राहक ये है, उत्सर्जक ये है, इस संधि को तो पश्चवायस में जोड़ते हैं, आप जानते होंगे, और इस संधि को सदैव अग्रवायस में जोड़ते हैं तथा आधार उत्सर्जक संधि को अग्रवायस में जोड़ते हैं। निवेशी परिपथ में विभव बैटरी VBB तथा निर्गत परिपथ में विभव बैटरी VCC लगी रहती है। निर्गत परिपथ में लोड प्रतिरोध RL लगा रहता है जिसके सिरों पर निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं, उत्सर्जक उभयनिष्ठ यहाँ पर रहता है। देखिए अब धारा लाभ, धारा लाभ क्या होता है कि जो निर्गत धारा है, धारा लाभ का मतलब सीधा सीधा एक ही होता है कि निर्गत धारा बटे निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाता है? धारा लाभ कहलाता है। यहाँ पर यही बात लिखी गई है कि निर्गत धारा IC तथा निवेशी धारा IB का अनुपात धारा लाभ कहलाता है। अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए धारा लाभ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और बीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि निर्गत धारा IC है और निवेशी धारा IB है, तो ये हो जाएगा बीटा बराबर IC/IB। या फिर वोल्टता लाभ, निर्गत वोल्टता V0 तथा निवेशी वोल्टता VI के अनुपात को वोल्टता लाभ कहते हैं, अर्थात AV बराबर V0/VI। क्लियर?
निर्गत वोल्टता वी जीरो तथा निवेशी वोल्टता वी आई के अनुपात को वोल्टता लाभ कहते हैं, अर्थात ए वी बराबर वी जीरो बटा वी आई। देखो आगे, अब बेटा वी बराबर आई आर होता है, यहाँ निर्गत परिपथ में आई का काम आई सी कर रहा है और आर का काम आर एल कर रहा है, इसलिए वी जीरो बराबर हो गया आई सी आर एल और वी आई बराबर आई बी आर आई। आई बी क्या है, निवेशी परिपथ में धारा है और आर आई क्या है, निवेशी परिपथ में प्रतिरोध है, तो वी आई बराबर आई बी आर आई। वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर, तो ए वी बराबर क्या हो जाएगा, आई सी बटा आई बी और आर एल बटा आर आई। आई सी बटा आई बी वास्तव में बीटा के बराबर होता है, तो ए वी बराबर बीटा आर एल अपॉन आर आई ये हो जाएगा। इस प्रकार देखिए नंबर तीन, शक्ति लाभ। शक्ति लाभ क्या होता है, देखो निर्गत शक्ति पी जीरो तथा निवेशी शक्ति पी आई के अनुपात को शक्ति लाभ कहते हैं और इसे ए पी से व्यक्त करते हैं। जो निर्गत शक्ति होती है पी जीरो और जो निवेशी शक्ति होती है पी आई, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, शक्ति लाभ कहते हैं और इसे ए पी से व्यक्त करते हैं, या ए पी बराबर पी जीरो बटा पी आई। क्लियर। अब पी जीरो बराबर क्या होता है, हमने ऊपर भी देखा था वी जीरो आई सी, भाई पी बराबर होता तो वी आई है। पी जीरो मतलब आउटपुट शक्ति, आउटपुट में वोल्टेज वी जीरो हमने लिखा था और आउटपुट में करंट आई सी से हमने लिखा था। पी आई क्या है, निवेशी शक्ति, तो निवेश में वोल्टेज को वी आई से लिख दिया और निवेश में धारा को आई बी से लिख दिया, तो ये हो गया पी आई बराबर वी आई आई बी। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए ए पी बराबर पी जीरो बटे पी आई में, तो ये हो जाएगा ए पी बराबर वी जीरो बटे वी आई गुणा आई सी बटा आई बी, या ए पी बराबर हो गया ए वी बीटा, या ए पी बराबर हो गया बीटा स्क्वायर आर एल अपॉन आर आई। क्लियर। अब ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है कि हमने उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का अध्ययन कर लिया है। आप बुक में देखना, इसी प्रकार से आपको उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए भी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का डायग्राम टॉपिक दे रखा होगा, वो आपको स्वयं को पढ़ना है। इस प्रकार के जो टॉपिक हैं वो इसके कंप्लीट होते हैं। और अब हम इस चैप्टर के लास्ट भाग में पहुंच जाएंगे, जिसमें हम विभिन्न लॉजिक गेटों का अध्ययन करेंगे, उस चीज़ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं।